बाईपास पर गांव मठेड़ी के पास ये आया, इसमें 8-10 से 12 सवारियों को भी चोटें आई और हमारा जो परिचालक है नील 85 नंबर उसके भी 5 टांके सिर में आए हैं। बस की जो पोजीशन है और जो वीडियो को देखते हुए इतना बड़ा हादसा अगर ज़्यादा हो जाता ना जाने कितनी जाने चली जाती। इन बसों के ऊपर रंग तो सरकारी कर दिया गया लेकिन जनता को ये दिखा दिया गया कि सरकारी बस पलट गई लेकिन जो चालक है वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है और ये विभाग और जनता की जान के साथ जो इतना बड़ा जोखिम अगले सवारी हमारे लिए अतिथि है इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। हरियाणा रोडवेज के चर्चे पूरे देश में हैं और पूरा देश इसको नीली छतरी वाली शान के नाम से जानता है लेकिन हरियाणा सरकार हरियाणा रोडवेज के साथ क्या कुछ विश्वासघात कर रही है ये देखने वाली बात है। आज हमारे साथ हरियाणा रोडवेज के कुछ कर्मचारी हैं और वो सीधा सीधा उनका कहना ये है कि हरियाणा रोडवेज की बसें अब किलोमीटर स्कीम के तहत चलनी शुरू हुई हैं तब से उस पर इस तरीके से उस पर काम किया जा रहा है कि जनता के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है। कुछ उनके सवाल हैं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सरकार पर भी और जो किलोमीटर स्कीम के तहत जिन कंपनियों ने यहाँ पर बस प्रोवाइड की हैं कैथल के अंदर तो उन पर भी उनका सीधा सीधा सवाल है। तो जानते हैं कि आखिरकार ये क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या सवाल हैं इनके कंपनी से हरियाणा सरकार से। क्या नाम है सर आपका? मैं महावीर सिंह, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान। जो ये कल जो ये प्राइवेट ऑपरेटरों की जो ये बस है नटराज कंपनी के नाम से कैथल में जो चला रहे हैं ये किलोमीटर की स्कीमें आई हैं। हमने इसका पहले भी विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं। ये जिस तरह से हमारा रोडवेज का एक नियम है कि जब भी सरकार चालकों की भर्ती करती है उसमें लिखित परीक्षा वह जो भी एक परीक्षा होती है गुजरती है उसको रोड टेस्ट से वो प्रशिक्षण के द्वारा लिया जाता है लेकिन जो प्राइवेट ऑपरेटर है वो चंद पीछे में कम तनख्वाह में इन कर्मचारियों को रखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये ट्रेंड भी नहीं है, पता नहीं इनके पास पूर्ण रूप से लाइसेंस भी है या नहीं है। ये रोडवेज को बदनाम तो करने का ही एक तरीका है। यहाँ पे कितनी बसें चल रही हैं ये किलोमीटर स्कीम के तहत कैथल जिले की अगर बात करें तो? यहाँ दो कंपनियों का टेंडर है, नटराज कंपनी का जो 15 बसों का है और जो सूरज कंपनी का है वो 8 का है। लेकिन ये जो बस थी जो नटराज कंपनी की थी, मैं हमारा ये आरोप है कि ये देखिए रोडवेज को बदनाम करने की आज के दिन सरासर साजिश है। इस तरह का हादसा हमने कभी नहीं देखा। मतलब ये जो कैथल की नटराज कंपनी की बस के साथ जो हादसे की आप बात कर रही हैं ये कहां पर हुआ, ये किस तरीके से, मतलब ये थोड़ा से जो हमारा टाइम है 7:00 लेकर ये चंडीगढ़ जाती है और चंडीगढ़ से आते समय बाईपास पर गांव मठेड़ी के पास ये आया, इसमें 8-10 से 12 सवारियों को भी चोटें आई और हमारा जो परिचालक है नील 85 नंबर उसके भी 5 टांके सिर में आए हैं। जो देखिए बहुत ही गंभीर विषय है, खुदा न खास्ता देखो बस की जो पोजीशन है और जो वीडियो को देखते हुए इतना बड़ा हादसा अगर ज़्यादा हो जाता ना जाने कितनी जाने चली जाती। ये इस विभाग को इस जनता में बदनाम करने की सरासर साजिश है। इन बसों के ऊपर रंग तो सरकारी कर दिया गया लेकिन जनता को ये दिखा दिया गया कि सरकारी बस पलट गई लेकिन असल में ये सरकारी बस नहीं, ये कंपनी की बस है नटराज कंपनी की, वो पलटी गई है क्योंकि इन पर आज के दिन जो चालक है वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है और ये विभाग और जनता की जान के साथ जो इतना बड़ा जोखिम आज खेल रहे हैं। मैं कहूँगा कि सरकार ने इस संज्ञान में और आपके माध्यम से भी अपील है कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, इसीलिए इन बसों पर जो भी चालक चले वो पूर्ण रूप से जो सरकार की प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए इस पर चले ताकि जनता की जो भोली भाली जनता है या हमारा परिचालक है उनकी जो ज़िंदगी का सवाल है। देखिए जब अपने साथी की जब जान पर आ जाती है तो हमारा ये नैतिक फर्ज भी बन जाता है कि किसी साथी की जान ना जाए और जनता हमारा भगवान है हमारे लिए क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी विभाग से चलती है, इसलिए सवारी हमारे लिए अतिथि हैं इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है। सरकार से अधिकारियों से हमारा एक बार निवेदन है कि इस तरह का जो जोखिम हुई है कैथल में ये हादसा पहली बार है, वैसे आए दिन होते रहते हैं लेकिन इसलिए हमारा फर्ज बन जाता है। मैं एक सवाल करता हूँ, जैसे किलोमीटर जो स्कीम है वो किस तरीके से काम करती है एक बार थोड़ा ये बताएंगे कि किलोमीटर स्कीम के तहत ड्राइवर कैसे लगता है, कंडक्टर क्या कैसे होता है, किस इसके अंदर कंडक्टर तो हमारा रोडवेज का सरकारी है। अच्छा। और चालक है जो वो कंपनी का बस मालिक की तरफ से लगाया गया है। अच्छा। और जब रोडवेज का ड्राइवर भर्ती होता है उसके 4 टेस्ट होते हैं और 3 साल का कम से कम उसका हैवी लाइसेंस और बस चलाने का अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है। और इन प्राइवेट बसों पर
कोई अनुभव की ज़रूरत नहीं, कोई किसी की इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं, कोई टेस्ट क्लियर नहीं कराए जाते इन बसों पर। अनट्रेंड ड्राइवर आज कोई भी है, कल को दूसरा एरिया, कल को तीसरा एरिया है। मालिक अपनी मर्जी से जो कम पैसे लेता उन्हीं को रखते हैं और जनता की जान जोखिम में डालकर ये रोड पर निकलती है। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो कंपनियां हैं वो जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इस तरीके से ड्राइवर भर्ती किए जाते हैं जो अनट्रेंड होते हैं। बिल्कुल अनट्रेंड होते हैं जी। तो अभी फिर आपका क्या कहना है कि मतलब किस या ट्रेंड की या ड्राइवर लगाए जाएं या किलोमीटर स्कीम, मतलब ये सही नहीं उतरी अपने आप में, खरी नहीं है ये अपने आप में? इनके अंदर शरारती तत्व भी बहुत आते हैं, आए दिन घटनाएं होती है, प्रदेश की जनता को इसका खाजियामा भुगतना पड़ता है। फिर जनता कैसे तय करेगी कि ये किलोमीटर स्कीम की बस है, क्योंकि कलर से और उनसे तो एक ही लगती हैं ये बसें, कि कैसे तय करे फिर जनता? इसके ऊपर सामने पूरा एक है, लाल रंग की पट्टी लगी हुई है और बैक साइड में भी लाल रंग की पट्टी है, जो कुछ होने तो मिटाई भी हुई भी है उसमें, वो टेप लगा दिया ताकि जनता को गुमराह किया जाए ये रोडवेज की बस है या प्राइवेट बस है। ठीक, धन्यवाद। तो ये रोडवेज के कर्मचारी हैं, कैथल रोडवेज की वर्कशॉप से हम बात कर रहे हैं और इनका सीधा सीधा आरोप है कि किलोमीटर स्कीम के तहत जो कंपनियां ठेके लेती हैं वो कंपनियां जो चालक लगाती हैं वो बिल्कुल अनट्रेंड लगाती हैं, क्योंकि उनको अपने मुनाफे से मतलब है, जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं है, जनता की ज़िंदगी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो दिन प्रतिदिन जनता की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करती नज़र आ रही हैं। और तस्वीरों में आपने सीधे तौर पर देख लिया कि एक बस पलटी हुई है और वो लगातार मतलब उसके आसपास लोग खड़े हुए हैं और वो किलोमीटर स्कीम के तहत लगाई गई बस बताई जा रही है नटराज कंपनी की, जिस पर अनट्रेंड चालक बताया जा रहा है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं प्रवीण कुमार।